गाइस, तो अभी एक डिटेल आया, मतलब कि ना कुछ आया है लेटर कॉलेज की तरफ से, मतलब यूनिवर्सिटी की तरफ से, और वो ये है कि हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आप लोग जैसे मेरे आवाज में सुन सकते होगे और देख सकते होगे, मेरा एकदम मतलब फेस जो है एकदम वो सीधा है। एक्चुअली में ऐसा सीन हुआ कि ना मेरा आवाज नहीं पता अचानक से बैठ गया कल रात में, और मेरा जो यहाँ पे है वो नस अटक गया है। मतलब कैसे, मतलब कि ना ऐसे हिला नहीं सकता मैं सर्वर, तो उस कारण अभी व्लॉग एडिट हो चुका है और मैं ना जब बोल रहा हूँ ना कुछ, तो मेरा सांस फूल जा रहा है एकदम। तो बस गाइज, आज का व्लॉग मैं इसी तरीके से स्टार्ट कर रहा हूँ अपना दर्द के साथ, और आप लोगों को मैं अपना दर्द बता रहा हूँ थोड़ा, क्योंकि मैं सर्वर हिला नहीं पाऊंगा ना। मैं सोचा था कि नहीं बताऊंगा, बट मैं हिला नहीं पाऊंगा सर, इस कारण ना मैं पहले ही बता दिया, वरना लोग सोचेंगे नहीं पता भाई ये क्या तिड़क तिड़गा गया है ये इंसान। अगर आप लोग चैनल पे नहीं हो, चैनल को सब्सक्राइब करना। मेरा नाम अमन है, आप लोग देख रहे हो अमन कुमार ब्लॉग्स, और आज से डेली लाइफ नॉर्मल लाइफ व्लॉग चालू होगा। क्योंकि भाई आप लोगों को पता है, जैसे पिछला व्लॉग देखे होगे जो आज मैं अपलोड करने वाला हूँ, उसमें मैं ये बताया हूँ कि मेरा कॉलेज बंद हो रहा है, मतलब ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में हो रहा है, ब्लेंडेड मोड में हो रहा है। तो बस अब मैं तो गाइज यहाँ से 16 किलोमीटर जाने वाला हूँ, नहीं इतना दूर कॉलेज, ऑनलाइन ही अटेंड करेंगे कल से, आज है संडे। तो चलो गाइस, आते हैं बाहर से देखकर। कुछ काम कर रहे हैं पापा लोग, काम कर रहे हैं पापा, पड़ोसी अंकल से बात कर रहे हैं। मैं अपनी चाय गर्म कर रहा हूँ, और अपनी कुक ना साफ करके जाती है, तो आज इसलिए किचन दिखा दिया। गाइस खांसी भी है, नहीं पता ऐसा क्यों है, और मैं ना गाइस जैसी मतलब कि मैं थोड़ा और इम्प्रूव होऊंगा ना, मतलब मेरा चैनल ग्रो होगा। और एक बात सुन लो सबसे पहले, कि मैं अपना सब्सक्राइबर काउंट हाइड कर चुका हूँ। वो हाइड इसलिए किया हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जैसी 10,000 सब्सक्राइबर हो, मैं तभी सिर्फ अनहाइड करूंगा सब्सक्राइबर, उसके पहले मैं नहीं करवा करने वाला हूँ, ये मैं खुद डिसाइड किया हूँ। मम्मी सुबह से मेरे लिए बना कर रख दी थी, तो पापा अभी ना बेड को पेंट कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा पुराना हो गया था, जंक खा गया था। मम्मा 2 मिनट चुप रहोगे, मैं ब्लॉग कर रहा हूँ। या थैंक यू। पापा सुनो ना, जैसे अभी लॉकडाउन लग, मतलब कॉलेज नहीं जा रहा हूँ, तो मैं वीडियो कैसे बनाऊंगा, मेरे को कंटेंट कहाँ से मिलेगा? पापा आप पेंट कर रहे हो, मैं ये सब दिखाऊं, मेरे को नहीं आता, पता है मेरे को नहीं आता ये सब। ऐसा लगेगा तो बाहर तो निकल सकते हैं ना, निकल सकते हैं ना, मतलब मैं घूमने जा सकता हूँ ना कहीं आधा घंटा। 144 मतलब 5 या 6 लोग को एक साथ खड़े नहीं रहना। ओ मतलब मैं अकेले जा सकता हूँ। हे गाइस, तो अभी ना मैं डिसाइड किया कि बहुत दिन से मैं मोटो व्लॉग नहीं किया था, तो मैं सोचा कि मोटो व्लॉग कर लेता हूँ। और लिटरली में मैं इतना अजीब लग रहा हूँ ना अभी, मतलब मेरा यहाँ पे नस अटक गया है, और मैं लिटरली में ऐसे ऐसे करके मुड़ नहीं पा रहा हूँ कि चलते हैं मोटो व्लॉग करने के लिए। मैं बस उसके लिए रेडी हो रहा हूँ, मोजा पहन रहा हूँ, जूता पहन रहा हूँ। आप लोग व्लॉग यहाँ तक देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। गाइस आप लोग के कारण मेरे इतने व्यूज आ रहे हैं, और मेरा बस थोड़ा सा मेहनत है, बाकी आप लोग का है हर चीज। आप लोग कॉमेंट करते हो, आप लोग हर चीज करते हो लिटरली में, तो मैं हर चीज़ गाइस आप ही को डेडिकेटेड करता हूँ ये सब चीज़। अगर व्यूज आ रहे हैं तो आपके कारण, अगर लाइक्स आ रहे हैं तो आपके कारण, अगर मैं थोड़ा सा डॉलर में कमा रहा हूँ तो वो आपके कारण। तो अभी मैं अरे बाप रे, मेरे गले से आवाज नहीं निकल रहा गाइस। तो मैं सोचा था कि मैं अपना ये करूँगा अभी मैं सोचा था कि वॉइस ओवर करूँगा, मैं घूम रहा हूँ, मैं जूता पहन रहा हूँ, बट मैं अभी अपने मुंह से आवाज़ निकाल के देखा सुबह, तो मेरे मुंह से आवाज़ नहीं निकल रहा है, मतलब गले से आवाज नहीं निकल रहा है। तो गाइस वॉइस ओवर तो नहीं होगा, मैं म्यूजिक डाल देता हूँ। मेरे कपड़े के बारे में एक चीज बोलूँ तो ना, हर चीज मैच है, मेरा जूता ब्लैक, जैकेट ब्लैक, और हेलमेट भी ब्लैक रेड, बट मेरा जो गाड़ी का कलर है वो बिल्कुल भी मैच नहीं करता इससे। मेरा गाड़ी है ग्रे कलर का, तो मैं आई थिंक मैं सोच रहा हूँ कि ना मैं कल गाड़ी रिवील कर दूंगा कल के व्लॉग में, या फिर परसों के व्लॉग में, क्योंकि आधे सब्सक्राइबर लोगों को पता है। गाइस मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं शुरू से रिकॉर्डिंग नहीं किया था। ओ भाई ये बंद कैसे हुआ यार अपने आप? ओ भाई ये बंद कैसे हुआ, मेरे को देखना पड़ेगा, रुक के। गाइस तो ये है ग्लोब चौक अपना, और अभी मैं लेफ्ट में रुक रहा हूँ क्योंकि मेरे को देखना है कि जितना मैं बात किया वो क्लिप आया है कि नहीं। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अमन कुमार व्लॉग्स। बहुत तगड़ा हुआ मेरे साथ अभी कहानी, कि मैं अपने पूरे घर से आया हूँ 2-1 मिनट के रास्ते में, और मेरा जितना भी मैं बात किया रिकॉर्डिंग नहीं हुआ, रिकॉर्डिंग में दबाना दबाया नहीं, या फिर क्या हुआ पता नहीं, रिकॉर्डिंग नहीं हुआ कोई भी चीज़। तो कोई बात नहीं गाइस, अभी मैं हूँ ग्लोब चौक के सामने, और अभी मैं यहाँ से जा रहा हूँ पेट्रोल पंप भरवाने के लिए। मैं आपको एक पूरा कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ, सिंपल स्पॉइलर दे देता हूँ कि क्या क्या मैं बात करते हुए आया था। मैं बात करके आ रहा था कि गाड़ी में तेल भरवाना है, गाड़ी रिवील नहीं हुई है मेरी, शायद से इस ब्लॉग में रिवील हो जाएगी, और
और कुछ कुछ बोला था मैं जो कि मेरे को याद नहीं आ रहा है, क्योंकि पता है आप लोगों को मैं बहुत ज़्यादा भुलक्कड़ हूँ। और ये है हमर भिलाई। बस मैं ये भी बोला था कि मैं चाहता नहीं हूँ कि अभी मैं गाड़ी रिवील करूँ अपना, मैं चाहता हूँ कि एक पूरा व्लॉग बनाऊँ अच्छे से। अरे दादा साइड हो जाओ, मैं यही बोला था गाइस बस इतना। और अब मैं सर को अपने 45 डिग्री में ऐसे करके लेके चल रहा हूँ, क्योंकि नीचे करूँगा ना तो ये देखो गाड़ी दिख जा रहा है, तो यहाँ पे स्टिकर होगा अभी किसी लड़के का चेहरा। तो बस अभी मेरे को जाना है यहाँ पे लेफ्ट कोटवाली के पेट्रोल पंप। यार सामने खाली है, ऐसे में तो गाड़ी दिख ही जाएगा यार अंकल। भैया 150 150 अंकल दिख रहा है ना गाड़ी कैमरे में, दिख जा रहा है मेरे, लोगों को दिखाया नहीं हूँ अभी तक, कहते कि पूरे हाथ में आ जाता है ये। हाँ जी आपके ऊपर भरोसा है भैया मेरे को। सीधा ओ ओ ओ ओ ओ अच्छा तो ये सेक्टर 5 में यहाँ पे लाइट लग गया है ऐसा वाला ग्रीन वाला। अभी तो कुछ दिखने वाला है नहीं, ये रात ही में दिखेगा, बट अभी भी जला दिए हैं। नहीं यार ये कंटेंट नहीं है। गाइस वेलकम टू अमन कुमार व्लॉग्स। अभी मैं 5 रुपये का पेट्रोल वेस्ट कर दिया सेक्टर 5 आने के लिए। तो सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ पे आओगे तो आप लोगों को मिलेगा ये आई लव भिलाई वाला, तो फिर ये बहुत तगड़ा लगता है, पता है सच में बता रहा हूँ। अगर आप लोग सामने से देखोगे ना बहुत बड़ा है ये और बहुत दूर से दिखता है, तो ये चीज़ बहुत सही लगता है। और अभी अपन जा रहे हैं अंदर सेक्टर 5 के। अभी मैं शाम में आया हूँ ना तो अंधेरा नहीं हुआ अभी, तो जितना भी ये पोल है ना इसमें सब में लाइट लगा हुआ है एलईडी वाला, तो फिर ये बहुत दिखने में बहुत अच्छा लगता है रात में। पहले मैं व्लॉग बना चुका हूँ तो मेरे को पता है, और मैं पहले यहाँ पे 2-3 बार आ चुका हूँ गरबा के टाइम। अभी मेरे को कोई आइडिया नहीं है कि मैं कहाँ पे हूँ। ओह ओह फैक्ट्री वहाँ पे, सीमेंट की फैक्ट्री है वो शायद से, मैं अभी नहीं पता कौन से सेक्टर आ गया था। तो अभी मैं ये सेक्टर 5 था, अच्छा सेक्टर 5 ही है ये, सेक्टर 5 में ही था मैं। तो अभी मैं जा रहा हूँ दोबारा यहाँ से सीधा सीधा सेक्टर 5 की चोर। तो ये था गाइस सेक्टर 5, और अभी मैं इसके पीछे से आया एकदम एंड के साइड से, क्योंकि मेरे को वहाँ पे उतना कुछ दिखा नहीं। अंदर पे है और देखने के लिए उतना तो मैं जा नहीं पाऊंगा ना गाइस। तो अभी एक डिटेल आया, मतलब कि ना कुछ आया है लेटर कॉलेज की तरफ से, मतलब यूनिवर्सिटी की तरफ से, और वो ये है कि हम लोग का पहला सेम जो रहेगा वो होगा ऑनलाइन। और गाइस मैं एक्साइटेड हूँ, बट मैं उतना एक्साइटेड नहीं हूँ क्योंकि, लेकिन पता एक्साइटेड मैं क्यों, सबसे पहले इसका बात करता हूँ कि यस गाइज ऑफकोर्स मेरे को व्लॉग करने का बहुत ज़्यादा टाइम मिल जाएगा, और ऑनलाइन भी होगा कॉलेज, तो फिर मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम मिलेगा कि मैं कहीं बाहर जाऊँ, कहीं घूमने जा सकता हूँ, उसका मैं व्लॉग कर सकता हूँ। तो मेरे को ये चीज़ का बहुत ज़्यादा खुशी है। एंड एक और चीज़ कि एग्ज़ाम ऑनलाइन हो रहा है, ठीक है वो हो जाएगा अपने, बट मेरे को दुख एक चीज़ का ये है कि ऑफलाइन कॉलेज नहीं खुल रहा है अभी। तो मेरे को ना मतलब कॉलेज में ना जाता था तो इतना ज़्यादा अच्छा लगता था, दोस्त मिलते थे और व्लॉग करने के लिए भी मिलता था। तो अब देखो यार अब जो है उसमें ही अपन को चेंज करना पड़ेगा। तो कॉलेज के पहले भी मैं व्लॉग करता था, तो ऐसा नहीं है अब करेंगे अपन। लेकिन मैं घर का ये सब काम बिल्कुल नहीं दिखा सकता, मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, पता है। मतलब मैं दूसरा टाइप का व्लॉगर हूँ, मैं डेली व्लॉगर हूँ, बट मैं लाइफस्टाइल ने मतलब ये सब मेरे को अच्छा नहीं लगता दिखाने की। मैं बिस्तर बना रहा हूँ तो बिस्तर का करूँ, अगर मैं कुछ पढ़ रहा हूँ वो दिखाऊंगा, क्योंकि लोगों को ना इससे मोटिवेशन मिलता है, मेरे को भी मोटिवेशन मिलता है, मैं दूसरे यूट्यूबर्स का देखता हूँ तो बस मैं वो सब का दिखाऊंगा। लेकिन ये सब आप कभी कभार दिखा दूंगा बट उतना नहीं। तो गाइस मैं घर आ गया था मोटो व्लॉग करके, और अभी बज रहा है शायद से 8, और अभी मैं ना ईजी कर लिख रहा था भाई असाइनमेंट, इसका ना कल जमा करना है बट पहले से करके रख लेते हैं, क्योंकि कल मेरे कुछ कुछ प्लान है कि शायद से मैं कहीं बाहर जाऊंगा। और इसका जो ड्रॉइंग बनाना रहता है ना वो इतना सटीक बनाना रहता है कि भाई मत पूछो, अगर कुछ भी आड़ा तिरछा हो गया ना सीधा सर बोलते हैं कि नंबर कटाएगा तुम्हारा, बट मेरे को ईजी में बहुत अच्छा नंबर मिला। और ये देखो ये है मेरा ईजी का, और मेरा हैंडराइटिंग ऐसा है। यही था गाइज आज का व्लॉग, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और मैं ना ये डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ कि 10 मिनट का व्लॉग करूँ, अगर 10 मिनट का व्लॉग करूंगा तो मैं उसमें क्या दिखाऊंगा कुछ समझ नहीं आ रहा मेरे को वो चीज, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि मैं क्या करूँ। तो गाइज मैं मिलता हूँ आप लोग से कल नए व्लॉग में, बाय बाय टेक केयर, सी एफ एम फिस, मिलता हूँ कल नए व्लॉग में।